बी शो में करण जौहर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो शो में अपनी सारी लिमिट्स भूल गए और उन्होंने अश्लील इशारा कर दिया। करण इन दिनों अपने चैट शो कॉफी विद करण को लेकर खूब सुर्खियों में है। हाल ही में उनके शो में अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान करण ने अपने सीजन के पहले एपिसोड के बारे में बात की, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह आए थे। इस दौरान दीपिका ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए और बताया कि वो रणबीर के साथ साथ एक ही समय पर चार और लोगों को डेट कर रही थी। इस दौरान शो में दीपिका और रणबीर की थोड़ी बहस भी हुई। शो टेलीकास्ट होने के बाद दीपिका को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। ये ट्रोलिंग इतनी जबरदस्त हुई कि दीपिका और रणबीर तब से एक साथ सामने नहीं आए हैं। अब इस पूरे मामले पर करण जौहर सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सारी मर्यादा ही पार कर दी। करण ने दीपिका और रणबीर वाले एपिसोड को मिले रिएक्शंस पर नाराजगी जाहिर की। करण ने कहा कि उनके हिसाब से ये सबसे ज्यादा ईमानदार और दिल छू लेने वाला एपिसोड था, क्योंकि दीपिका और रणबीर ने खुलकर अपनी बातों को पब्लिक के सामने रखा। करण ने कहा, लेकिन इस एपिसोड्स पर जो नेगेटिव रिएक्शन सामने आए उन्हें देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। करण ने कहा कि मुझे लगता है कि वो इस शो का बेस्ट एपिसोड था। करण ने कहा, उन्होंने काफी बातें की और बहुत सारी बातें ईमानदारी से रखी और फिर उनके बारे में लोगों ने कुछ बकवास बातें की। मैं बकवास करने वालों से कहता हूं कि आप किसी और की निजी जिंदगी और शादी के बारे में क्या जानते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम अपने घर पर देखो और अपना मुंह बंद रखो। इसी के साथ बोलते बोलते करण ने अश्लील इशारा करते हुए अपनी मिडिल फिंगर भी दिखा दी। करण का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस पर लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।